हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑफ स्ट्रिंग की टू पॉइंटर वेरिएबल्स की। स्ट्रिंग को पॉइंटर वेरिएबल की मदद से कैसे असाइन करते हैं, तो इसके पहले कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए स्ट्रिंग में क्या होता है। जो हम पहले भी देख चुके हैं कि ए स्ट्रिंग कैन कन्वीनियंटली बी रिप्रेजेंटेड बाई आइदर ए वन डायमेंशनल करेक्टर एरे और ए करेक्टर पॉइंटर। मतलब कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो स्ट्रिंग को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को या तो आप वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्टर एरे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप कैरेक्टर पॉइंटर से भी इसको, कैरेक्टर पॉइंटर इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं। अब इसको हम वन बाय वन ये दोनों तरीके आपको बताते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया, से एग्जाम्पल, ठीक। इसमें क्या है कि राइट ए सिंपल सी प्रोग्राम इन विच टू स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। हमने कहा कि इसे इसमें हमें क्या करना है, राइट ए सिंपल सी प्रोग्राम इन विच टू स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, टू स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरेज, ठीक है। ये हमें प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए अब इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, तो हमने लिखा इंक्लूड stdio.h, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया स्ट्रिंग, तो हमने लिखा करेक्टर एक्स, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने स्ट्रिंग असाइन की वो हमने लिखा कि दिस स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड एक्सटर्नली। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा दिस स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड एक्सटर्नली, ठीक है। फिर हमने स्लैश एन और ये डबल कोट्स किया और यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया एक्सटर्नली। अब उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से मेन फंक्शन शुरू किया, हमने लिखा मेन और यहाँ पे हमने लिखा स्टैटिक करेक्टर वाई, स्टैटिक करेक्टर y इज इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिंग हमने लिख दिया दिस स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड विद इन मेन, मेन फंक्शन के अंदर ही स्ट्रिंग को हमने डिक्लेयर किया, ठीक। अब यहाँ पे लिखना लिखा हमने प्रिंट एफ परसेंटेज एस कॉमा एक्स, ठीक है। फिर ऐसे हमने लिखा यहाँ प्रिंट एफ परसेंटेज एस कॉमा वाई और यहाँ पे मेन की बॉडी बंद हो गई। अब इसमें क्या होगा कि द फर्स्ट स्ट्रिंग इज असाइन टू द एक्सटर्नल एरे एक्स, द सेकेंड स्ट्रिंग इज असाइन टू द स्टैटिक एरे वाई विच इज डिफाइंड विद इन मेन। दिस सेकेंड डेफिनेशन अकर्स विद इन ए फंक्शन, देयर फोर वाई मस्ट बी डिफाइंड एज स्टैटिक। क्योंकि ये फंक्शन के अंदर आप डिफाइन कर रहे हो उसको, तो इसलिए इट मस्ट बी डिफाइंड एज स्टैटिक एरे, ठीक है। सो दैट इट कैन बी इनिशियलाइज, तो इसको आप तभी इनिशियलाइज कर पाएंगे जब आप इसको स्टैटिक एरे की तरह
डिफाइन करेंगे। ठीक, तो एक तो ये तरीका हो गया कि एज ए सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे कि इसी हियर इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम प्रोग्राम, यानी इसी प्रोग्राम को दूसरे ढंग से, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड टू राइट दिस प्रोग्राम। ठीक है, इसी प्रोग्राम को हम दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि द स्ट्रिंग्स आर नाउ असाइंड टू पॉइंटर वेरिएबल्स रादर देन टू वन डायमेंशनल एरे। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग को असाइन करेंगे पॉइंटर वेरिएबल को। तो हम कैसे शुरू करेंगे, हमने मान लीजिए यहाँ पे इंक्लूड किया, इंक्लूड stdio डॉट h, ठीक है। फिर अब यहाँ हमने डिक्लेयर किया कैरेक्टर, और यहाँ देखिए यहाँ पे हमने लिखा ये पॉइंटर वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू, और यहाँ हमने सीधा लिख दिया दिस स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड एक्सटर्नली, दिस स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड एक्सटर्नली, ठीक। और फिर स्लैश एन दे दिया दो लाइन की जगह के लिए, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब यहाँ से हमने मेन फंक्शन जब शुरू करेंगे तो हमने लिखा मेन, यहाँ पे हमने लिखा कैरेक्टर ये पॉइंटर वेरिएबल वाई इज इक्वल टू दिस स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड विद इन मेन। इसको हमने डिक्लेयर कर दिया विद इन मेन, और यहाँ स्टेटमेंट एंड हो गया। ठीक, उसके बाद हम मान लीजिए जब दोनों प्रिंट कराएंगे, हमने कहा प्रिंट एफ परसेंटेज एस ये हो गया आपका परसेंटेज एस कोट्स क्लोज कॉमा एक्स, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज एस कॉमा वाई, ठीक। ये हम यहाँ पे मेन का फंक्शन क्लोज कर देंगे। ठीक, अब इसमें क्या है कि द एक्सटर्नल पॉइंटर वेरिएबल एक्स पॉइंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग। तो ये एक्स क्या शो कर रहा है, इसके फर्स्ट, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ये वाली, इसके बिगिनिंग को शो कर रहा है। वेयर एज द पॉइंटर वेरिएबल वाई डिक्लेयर्ड विद इन मेन पॉइंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग। और ये जो वाई वेरिएबल है ये किसके, इसके बिगिनिंग को इंडिकेट कर रहा है दूसरे स्ट्रिंग के। अब इसमें ये चीज ध्यान देने वाली है कि नोट दैट वाई कैन नाउ बी इनिशियलाइज्ड विदाउट बीइंग डिक्लेयर्ड स्टैटिक। तो अब इसमें फायदा यह है कि देखिए यहाँ पे आपने, जैसे पिछले में तो आपने यहाँ स्टैटिक लिखा था क्योंकि इसको इनिशियलाइज करना था, लेकिन चूंकि यहाँ पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वाई को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग इट स्टैटिक। तो ये एक फायदा है कि वाई को बगैर स्टैटिक डिक्लेयर किए भी आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि एग्जीक्यूशन ऑफ आइदर द अबव प्रोग्राम प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आउटपुट। तो दोनों में से कोई भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो आपको आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑफ द एबव प्रोग्राम, ठीक है, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो दोनों ही प्रोग्राम में एक ही जैसा मिलेगा। एक तो ये लाइन लिखी हुई रहेगी दिस स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड एक्सटर्नली, और दूसरी लाइन रहेगी दिस स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड, दिस स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड विद इन मेन, ठीक
तो इसका मतलब अगर हम सिंटेक्स वाइज बात करें तो सिंटेटिकली इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल स्टैटिक, यानी सिंटेक्स वाइज आप बात करें तो सिंटेक्स वाइज ये पॉसिबल है कि किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को आप स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। हाउएवर देयर इज नो रीजन टू डू सो, ठीक है, हाउएवर देयर इज नो रीजन टू डू सो द सेम इन द गिवन एग्जाम्पल। तो इन दोनों प्रोग्राम में उनको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंटैक्स वाइज या सिंटेटिकली ये पॉसिबल है कि किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को आप एज ए स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि जो फंडामेंटल चीज़ें और बारीक चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न रह जा रहा है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।